Hello students, today we are going to discuss chapter number 2 of class 6 science, components of food. So first of all we will discuss what are the different topics which we are going to discuss in this particular video. So in this particular video we are going to discuss what are the components of food, what are the nutrients, what are different type of nutrients, what are the functions of different type of nutrients and test of different type of nutrients and what are the deficiency of different type of nutrients. So all these topics we are going to discuss in this particular video. So let's start. In chapter number 1 we made list of the food items that we eat. Chapter 1 mein humne wo list banayi thi food items ki jo hum khate hain. We also identified food items eaten in the different part of India aur humne un food items ko identify kiya tha jo India ke different parts mein khaye jati hain aur mark kiya tha un items ko on its map aur map pe humne mark kiya tha. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry. जो एक meal है जिसमें हम चपाती ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं और brinjal curry भी include कर सकते हैं. Another may be rice और दूसरा rice हो सकता है, sambar and a vegetable preparation of lady finger. और एक vegetable भी हम include कर सकते हैं जो कि lady finger यानी कि भिंडी से बनी हुई है. So yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. और एक दूसरी तरफ एक और meal हो सकता है जैसे कि appam, फिश करी और वेजिटेबल. सो इन एक्टिविटी 1 आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट 1 आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स. जो हमारे मील होते हैं वो यूजुअली एक ही तरह के जो ग्रेन्स हैं उनसे बने होते हैं. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट. और दूसरी आइटम एक दाल हो सकती है या मीट की डिश हो सकती है और एंड वेजिटेबल और वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड मिल्क, बटर मिल्क एंड पिकल्स. तो जो अदर आइटम्स है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, कर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, बटर मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं एंड पिकल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. सम एग्जांपल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन द टेबल नंबर 2.1. सो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मील के जो डिफरेंट रीजन्स से वो आपको दिए गए हैं टेबल नंबर 2 में. सो यू कैन सी इन द टेबल नंबर 2. सो वन एग्जाम्पल इज ऑफ पंजाब एंड अनदर एग्जाम्पल इज द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश. सो पंजाब जो रीजन है उसमें क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जो आइटम्स है आपकी ग्रेन की आइटम है वो है मक्की की रोटी. एंड आइटम्स ऑफ दाल और मीट में है आपका राजमा. एंड वेजिटेबल्स में है सरसों का साग. एंड अदर्स में है कर्ड एंड घी. सो आंध्र प्रदेश में हमने एग्जाम्पल लिया है आइटम्स ऑफ ग्रेन में राइस. एंड आइटम्स ऑफ दाल और मीट में आपको तुअर दाल एंड रसम. एंड वेजिटेबल्स में कुंदरू एंड अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल एक्सेट्रा. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल व्हाट वी गोइंग टू ऑब्जर्व इन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर टेबल दैट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स आर प्रेफर्ड. सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड्स. सेलेक्ट द फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. अब आपने सेलेक्ट करना है फूड आइटम जो आपने डिपिक्ट की थी मैप में चैप्टर 1 में एंड ऐड सम मोर मील टू दिस लिस्ट. और इसमें आप कुछ और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड एंटर दीज इन द टेबल 2.1 और उसको आपने टेबल 2.1 में फिल करना है. नाउ समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन वन मील. सो ये कहते हैं कई बार हमारे जो मील होता है उसमें हम ये सारी वैरायटी जो है वो इंक्लूड नहीं करते. एंड इफ़ वी आर ट्रैवलिंग और अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे और जो रास्ते में हमें अवेलेबल होता है वही हम खा लेते हैं. सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स. सो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इतनी सारी वैरायटी जो है ट्रैवलिंग के दौरान ले सकें. एंड ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब हम ट्रैवल करते हैं. सो देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू देर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील यूजअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं कि जो मील होते हैं हमारे वो इतना डिस्ट्रीब्यूशन उनमें क्यों होता है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. क्या आप सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत होती है फॉर सम स्पेशल पर्पज. सो नेक्स्ट टॉपिक 2.1 वट डू द डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स. अब डिफरेंट जो फूड आइटम्स होती हैं उनमें क्या क्या कंटेन करते हैं और क्या क्या उनमें कंपोनेंट्स होते हैं अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. हम जानते हैं कि हमारी जो डिश होती है वो एक या एक से ज़्यादा
वन और मोर इंग्रेडिएंट से बनी होती है विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इंग्रेडिएंट्स, प्लांट से या फिर एनिमल से. सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड अवर बॉडी. सो इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है. सो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. सो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी. सो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन फ्रॉम हियर न्यूट्रिएंट्स. सो द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन क्लियर होता है कि वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड. सो वट आर दोज न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ मेनली न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर फूड. सो इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी. इन फाइव टाइप के न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे फूड में जो है आपका डाइट्री फाइबर्स भी इंक्लूड होना चाहिए और वाटर भी इंक्लूड होना चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. सो डू ऑल द फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड्स में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विद द सम एग्जाम सिंपल मैथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुकड फूड और ए रॉ इन्ग्रीडियंट कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स. सो क्या हम सिंपल मेथड से इनको टेस्ट कर सकते हैं कि कुक्ड फूड में या रॉ इंग्रेडिएंट्स में जो कंटेंट्स होते हैं रॉ फूड में, तो उनको हम चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर मेथड से. सो द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो टेस्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो टेस्ट हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करना, प्रोटीन्स को और फैट को डिटेक्ट करना, वो काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स. और जो अदर न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम थ्री टाइप्स के न्यूट्रिएंट को डिटेक्ट करने के टेस्ट को डिस्कस करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं एंड फैट्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1. तो चलिए अब हम इनको टेस्ट को एक एक करके डिस्कस करते हैं और जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो रिकॉर्ड करते हैं इन टेबल 2.2 में. फॉर कैरिंग दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन. अब ये कहते हैं कि आपको ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको आयोडीन के सॉल्यूशन की ज़रूरत है, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे की रिक्वायरमेंट है. तो आपको मेनली थ्री सॉल्यूशंस चाहिए इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए. आयोडीन सॉल्यूशन, सेकंड है कॉपर सल्फेट एंड थर्ड कास्टिक सोडा. तो दीज थ्री सॉल्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट. सो यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट भी है और ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट भी है. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल. सो इन टेस्ट को आप जो कुक्ड फूड है उस पर भी ट्राई कर सकते हैं और जो रॉ मटेरियल है जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हैं उन पर भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं. टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट. अब टेबल 2.2 में आप जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन टेस्ट की वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल. कुछ फूड आइटम्स आपको टेबल में गिवन है. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. सो आप कंडक्ट कर सकते हैं इन टेस्ट को जो आपके पास फूड आइटम अवेलेबल हैं उनके साथ भी कर सकते हैं और अदर आइटम्स के साथ भी अवेलेबल जो आपके पास हैं उनके साथ भी इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. सो इन टेस्ट को आपने केयरफुली परफॉर्म करना है और किसी भी केमिकल को आपने टेस्ट नहीं करना है. सो इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म देन योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. अगर आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हैं तो आप उनको टीचर की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स.
सो हमारे फूड में काफ़ी टाइप्स के जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, बट मेन फॉर्म जो है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है या फिर शुगर की फॉर्म में हो सकता है. सो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च. तो हम ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू परफॉर्म द टेस्ट फॉर द स्टार्च. सो इन एक्टिविटी टू, टेस्ट फॉर द स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इन्ग्रीडियंट्स. अब आपने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ले सकते हैं या फिर रॉ इन्ग्रीडियंट्स का ले सकते हैं एज ए सैम्पल, एंड पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट. और उसके ऊपर आपने 2 to 3 ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है. ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. आपने ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कुछ कलर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्या वो ब्लू ब्लैक हुआ है? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया कि ब्लू ब्लैक कलर वहाँ पे प्रेजेंट है तो इट मींस स्टार्च इज प्रेजेंट. सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. रिपीट दिस टेस्ट विद द अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च. तो आप इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं अदर फूड आइटम्स को लेकर के कि उनमें प्रेजेंस जो है स्टार्च की है या नहीं है. तो इस तरह से आप अपनी एक ऑब्जर्वेशन टेबल, जो अपना एक रिकॉर्ड है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस फूड आइटम्स में जितनी भी आपने डिटेक्ट की हैं किस में स्टार्च प्रेजेंट है और किस में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. सो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा स्टूडेंट्स, टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर द टेस्टिंग. आपने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेनी है जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है. इफ़ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड. अगर फूड जो आप डिटेक्ट करना चाहते हैं वो एक सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट. तो उसको आपको पहले पेस्ट में कन्वर्ट करना होगा या पाउडर फॉर्म में लाना होगा. ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. आपने उसको ग्रिंड करना है या फिर मैश कर सकते हैं उसको, जो भी फूड आइटम आपने डिटेक्ट करना है. पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. उसमें से आपको कुछ जो है क्लीन टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, एंड ऐड 10 drops ऑफ वाटर टू इट. और उसमें उसके बाद सैंपल डालने के बाद टेस्ट ट्यूब में आपने 10 drops ऑफ वाटर जो है उसमें ऐड करना है, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 drops ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 drops ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू इट. अब आपने ड्रॉपर की हेल्प से 2 drops जो सॉल्यूशन है, पहले कॉपर सल्फेट के 2 drops आपने ऐड करने हैं, और उसके बाद देन आफ्टर 10 drops सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. तो उसके बाद आपने 10 drops जो है कास्टिक सोडा के जो है टेस्ट ट्यूब में ऐड करने हैं. उसको शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसको आपने जो है अच्छे से शेक करना है और उसके बाद कुछ मिनट के लिए आपने वेट करना है. व्हाट डू यू सी. तब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. क्या टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया है कलर में. अब वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. सो अगर आपका जो सोल्यूशन है वो वॉयलेट में चेंज हो गया है तो इट मीन्स द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन यूर सैम्पल, अदरवाइज प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन यूर सैम्पल. Now you can repeat this test on the other food items. So इस तरह से आप proteins का जो test है वो भी different food items लेकर के उसके ऊपर detect कर सकते हैं, जिसमें से भी आप detect करना चाहते हैं कि protein present है या नहीं है, और अपनी जो आपकी observations है उनको record कर सकते हैं table में. So you can see in the table 2.2 nutrients present in sub food items. So आपको जो है raw potato starch is present, milk में protein is present, and groundnut में fat is present. So here you are given only the 3 examples, but rest of the food items is given for you. And if you want to detect what type of ingredients or what type of nutrient is present in this particular food item, you can detect at your home or you can detect in your lab at your school. So let's move ahead. Next hai aapka जो टॉपिक है टेस्ट फॉर द फैट. स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर द फैट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. अब आपने जो फूड जिसमें से भी आप डिटेक्ट करना चाहते हैं फैट की प्रेजेंस को, तो आपने उसको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है और उसको रैप करना है एक पेपर में एंड क्रश करना है उसको. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर. तो आपने उसको ऐसे क्रश करना है कि जो पेपर है वो फटे ना. Now straighten the paper and observe it carefully. अब आपने पेपर को स्ट्रेट करना है, ऑब्जर्व करना है उसको ध्यान से.
डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या पेपर के ऊपर ऑयली पैचेस आए हैं? होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, अब आपने लाइट के सामने जो है पेपर को करके देखना है। एंड आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, तो क्या आपको लाइट जो है उन पैचेज में से कुछ नजर आ रही है? एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज द फूड आइटम कंटेंस फैट, सो जो ऑयली पैच है अगर उसमें से आपको लाइट, डिम लाइट जो है आपको नजर आ रही है, मींस जो पेपर है अगर वो ट्रांसल्यूसेंट में कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में, आप जानते हो स्टूडेंट्स ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल वो होते हैं जो पार्शली लाइट को अलाउ करते हैं और पार्शली लाइट को अलाउ नहीं करते हैं। सो अगर आपका पेपर में आपको लाइट पार्शली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इट मींस द ऑयल और फैट इज प्रेजेंट इन योर पर्टिकुलर फूड आइटम। सो द फूड आइटम में कंटेन समटाइम्स अ लिटिल वाटर, जो फूड आइटम है उसमें कुछ कई बार क्या होता है कि जब आप उसको क्रश करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट जो है वाटर की भी प्रेजेंट हो सकती है। Therefore, after you have rubbed an item on the paper, let the paper dry for a while. जब आपने पेपर पे फूड आइटम को रब करेंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है और उसको ड्राई होने देना है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, अगर वहाँ पे कुछ भी वाटर की अमाउंट है जो फूड से आपने क्रश किया है उससे आई है, सो इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो वो कुछ टाइम में आपकी ड्राई हो जाएगी। एंड इफ़ नो ऑयली पैचेस शोज अप आफ्टर दिस, और उसके बाद अगर आपको कोई भी ऑयल पैचेस दिखाई नहीं दिया फूड उस पे पेपर पे, सो द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो इट मीन्स कि आपके जो सैंपल है उसमें कोई भी फैट अमाउंट जो है प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, अब इस टेस्ट से हमें क्या शो करते हैं? ऑल द फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, सो जितनी भी आपने टेस्ट जो आइटम्स हैं फूड आइटम टेस्ट किए हैं तो उन सभी में आपका फैट्स भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकता है, स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड में एक से ज़्यादा इन न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको कोई ऐसी फूड आइटम भी मिली है जिसमें कि कोई भी फूड न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट नहीं होता है? सो वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स, अब हमने जो टेस्ट किए हैं वो थ्री न्यूट्रिएंट्स के लिए किए हैं, टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च, एंड टेस्ट फॉर द प्रोटीन, एंड टेस्ट फॉर द फैट्स। बट स्टूडेंट जो हमने केमिकल डिस्कस किए थे थ्री केमिकल्स थे, बट आपने ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करते हैं जब हम, तो हमें सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम प्रोटीन को टेस्ट करते हैं तो आपको कास्टिक सोडे की रिक्वायरमेंट होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप फैट को टेस्ट करते हैं तो फैट की टेस्टिंग के लिए आपको किसी भी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपने क्रश करके सिर्फ ऑयल पैचेस को जो है ऑब्जर्व करना है। सो व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, सो अब क्या है कि आपको इन सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? और देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स, और हमारे फूड आइटम्स जो हम खाते हैं उनमें विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट इनके जो टेस्ट हैं वो कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो हम इस चैप्टर में इनके टेस्ट जो हैं परफॉर्म नहीं करते, डिस्कस भी नहीं करते, तो इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट डू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, सो इस टॉपिक का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि अब जो हमने डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स को हमने टेस्ट किया है, अब हम उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर वो फूड में प्रेजेंट हैं तो हमारी बॉडी में वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सपोज अगर हम एग्जांपल लें कार्बोहाइड्रेट्स का, सो कार्बोहाइड्रेट अगर फूड में प्रेजेंट है तो बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह से हम सभी न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो मेन फंक्शन है आपका, ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, सो फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, और फैट भी हमें मेनली जो फंक्शन है आपका फैट का भी वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो फैट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। सो फूड आइटम्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, जो फैट हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। जिस फूड के अंदर फैट या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, अब ये जो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको किसका फंक्शन एक्सप्लेन हो रहा है, प्रोटीन्स का। सो प्रोटीन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है,
ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए. जो फूड आइटम्स हैं यू कैन सी इन द फिगर, यू कैन सी इन द डायग्राम फिगर 2.3 सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स जो आइटम्स हैं जो विच इज रिच इन द कार्बोहाइड्रेट वो आप इस फिगर में देख सकते हैं. स्वीट पोटैटो है, वीट है, राइस है, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपेया एंड मेलन, मैंगो एंड मेज. सो इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी 2.4 सम सोर्सेज ऑफ फैट्स. सो फैट्स हैं वो आपको कहाँ से मिल सकते हैं, ग्राउंड नट से, नट से एंड टिल से. एंड द फिश एंड एग आर ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द फैट. इन द फिगर 2.3 वी हैव डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन फिगर 2.4 यू कैन सी द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स. एंड इन फैट देर आर टू कैटेगरीज यू कैन वेयर यू कैन ऑब्टेन फैट. फैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स सोर्सेज एंड यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट सोर्सेज एंड ऑल्सो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल सोर्सेज. सो वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटीन्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स है उसका क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स. प्रोटीन जो मेनली प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, द प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्योंकि जो प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी को बिल्डअप करना है, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना है, बॉडी की रिपेयर करना है. तो इसीलिए हम जो प्रोटीन्स हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं. फूड आइटम्स जो विटामिन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको फंक्शन स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन्स के. सो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. सो विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. सो हमारी जो आइज होती हैं, बोन्स हैं और जो टीथ हैं और गम्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के जो विटामिन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. सो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय द डिफरेंट नेम्स. तो इसीलिए जो हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और इसलिए उनके नाम भी जो हैं डिफरेंट हैं. सो सम ऑफ दीज विटामिन्स जो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको डिफरेंट विटामिन्स जो हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स. सो देर आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. जो विटामिन बी होता है स्टूडेंट्स उसमें वो सिंगल विटामिन नहीं होता जैसे कि विटामिन ए है, सी है. विटामिन बी में काफ़ी डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं लाइक विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व. सो इस तरह से इसीलिए हम विटामिन बी को हम क्या कहते हैं, विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. सो अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज. हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सभी विटामिन्स की बट इन स्मॉल क्वांटिटीज. सो विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी. विटामिन ए का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये भी आप नोट कर लीजिए यहाँ से. विटामिन ए का जो मेन फंक्शन है वो हमारी स्किन के लिए और आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज. जो विटामिन सी है उसका मेन फंक्शन है कि वो आपको बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है जिससे कि आपकी बॉडी ईजिली फाइट कर सकती है डिफरेंट टाइप की डिजीज के अगेंस्ट. सो विटामिन बी, विटामिन सी ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट. सो विटामिन सी जो है वो आपकी एज को भी बढ़ने से रोकता है. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड टीथ. सो विटामिन डी जो है बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, सो यू शुड टेक द फूड आइटम विद विटामिन डी. फूड्स दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड to the figure 2.9. so you can see the figure 2.6 to 2.9. so 2.6 figure you can see papaya, carrot and mango. जो papaya है, carrot है और mango है वो आपके जो है vitamin A के sources हैं. vitamin some sources of vitamin B you can see in the figure 2.8. vitamin B के जो आपके sources हैं students वो हैं wheat है, liver है और rice है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी. सो स्टूडेंट्स नोट डाउन करना है आपने इन सभी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं विटामिन बी के. सो आपसे क्वेश्चंस ये भी एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन बी,
व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. सो ये सभी क्वेश्चंस जो है वन बाय वन आपके क्लियर हो रहे हैं जैसे जैसे हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. सो ये नीचे जो है 2.8 फिगर में आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. ऑरेंज है, टोमेटो है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन है, आंवला है. एंड लास्ट वन 2.9 फिगर जो है आपका सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. जो विटामिन डी है आप मिल्क से ले सकते हैं, विटामिन डी आप मिल्क से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, लीवर से ले सकते हैं, एंड फिश से ले सकते हैं. सो इसमें मिल्क आपको गिवन नहीं है बट मिल्क में भी ये गिवन है, मिल्क से भी आप ले सकते हैं विटामिन डी. सो आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ अ डेज इनसफिशियंट एक्सपोजर टू द सनलाइट इज कॉजिंग द विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल. स्टूडेंट जो आपको ब्लू कलर में आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है इसमें क्या है, इसका कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि हमारी बॉडी, हम जानते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है. मींस सनलाइट में अगर हम जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है, अपनी बॉडी जो है प्रिपेयर करती है विटामिन डी को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट नाउअडेज जो है हम सनलाइट में ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करते, हम ज़्यादा धूप में जाना पसंद नहीं करते और नहीं जाते हैं. बट जो है जो विंटर्स है उसमें हम फिर भी थोड़ा बहुत जाते हैं. तो इसीलिए जो हमारी बॉडी है, जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें विटामिन डी की ज़्यादातर जो डेफिशिएंसी है वो होती है क्योंकि ना तो वो फूड आइटम्स जो है जो जिसमें कि विटामिन डी रिच होती हैं वो खाते हैं और ना ही वो अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में सो दैट देयर बॉडी कैन प्रिपेयर विटामिन डी. सो वी मूव नेक्स्ट. फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो विटामिन डी की जो रिक्वायर जो आपकी वी आर गोइंग टू डिस्कस मिनरल्स. सो स्टूडेंट्स लास्ट में जो आपका न्यूट्रिएंट है वो है मिनरल. मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज, ईच वन इज एसेंशियल. मिनरल्स भी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है और हर एक जो मिनरल होता है वो आपको जो है रिक्वायर्ड होता है. फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, जो मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए होती है एंड मेंटेन गुड हेल्थ और आपकी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए होती है. सम सोर्सेज ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. सो यू कैन सी इन द फिगर 2.10 फिगर सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, दीज आर द सोर्सेज ऑफ सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड यू कैन सी बिलो सम सोर्सेज ऑफ आयरन. नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज फिगर्स यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मिनरल्स. वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल आर आयोडीन एंड अनदर टाइप ऑफ मिनरल इज फॉस्फोरस एंड आयरन एंड कैल्शियम. सो हेयर वी आर गिवन द फोर टाइप्स ऑफ मिनरल. सो यू कैन सी इन द डिफरेंट फिगर्स आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम. सो ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. सो मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. जो मोस्टली आइटम्स हैं आपके पास उनमें जो है आपको वन न्यूट्रिएंट होता है और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं. सो यू हैव नोटिस दिस, तो आपने नोटिस किया होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. जब हमने टेबल 2.2 में ऑब्जर्वेशन की थी, आपने टेस्ट किया था, तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो फूड आइटम है उसमें आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं. हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल, और एक जो गिवन रॉ मटेरियल में अगर हम टेस्ट करते हैं तो वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर. जब हम रॉ मटेरियल को डिटेक्ट करते हैं तो उसमें एक जो न्यूट्रिएंट है आपका पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन द अदर न्यूट्रिएंट. अगर आप राइस को डिटेक्ट करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है. बाकी न्यूट्रिएंट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं बट उनकी अमाउंट जो है काफ़ी कम होती है. दस वी कैन से द राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड. इसीलिए हम राइस को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ द फूड. सो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर. स्टूडेंट्स हमने सभी जो फाइव टाइप्स के जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन और उनके फंक्शंस भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके सोर्सेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड डाइट्री फाइबर एंड वाटर. सो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है डाइट्री फाइबर्स की और वाटर की भी. डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइट्री फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं. सो
रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड. जो रफेज है वो हमारी जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उससे ही हमारी बॉडी जो है या हमारे फूड में जो ऑब्टेन होते हैं. होल ग्रेन्स एंड पल्सिस, जो होल ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो दाल, जैसे हम जो साबुत दाल बनाते हैं उसको होल ग्रेन्स कहते हैं. होल ग्रेन्स एंड पल्सिस, जो जो आपने दालें हैं या साबुत दाल हैं, पोटैटोज और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ द रफेज. सो हेयर यू आर गिवन वट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रफेज. होल ग्रेन्स हैं, पल्सिस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रफेज. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी. रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बट इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क. जो बट ये हमारी फूड आइटम का बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है और ये बल्क को ऐड करता है. बल्क मतलब ये क्वांटिटी जो है फूड की आपको इंक्रीज कर देता है. अगर आप फूड खाते हो और उसके साथ डाइट्री फाइबर भी खाते हो तो आपके जो फूड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. हालांकि आपको पता है कि डाइट्री फाइबर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बट ये बल्क को ऐड करते हैं. मतलब कि क्वांटिटी जो है फूड की वो इंक्रीज हो जाती है और इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. सो इससे क्या हेल्प होती है कि जो हमारी बॉडी होती है उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको मतलब कि आपके जो क्लियर करने में इजी होता है और बॉडी इजीली जो है आपकी जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्लियर कर देती है. सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड. वाटर जो है वो भी आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स. जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज ए यूरिन एंड स्वेट. सो जब हमारी बॉडी में से यूरिन सिक्रीट होता है, स्वेट सिक्रीट होता है, तो जो यूरिन और स्वेट है उसके थ्रू हम क्या एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली जो है फॉर्म होते रहते हैं. सो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक. जो मोस्ट ऑफ द वाटर है जो हमारी बॉडी का जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम लिक्विड जो है वो ड्रिंक करते हैं, जैसे कि वाटर ड्रिंक करते हैं, मिल्क ड्रिंक करते हैं, टी ड्रिंक करते हैं. सो उनमें भी एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होता है टी में और मिल्क में. सो इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड. हम जो फूड कुक करते हैं उसमें भी हम वाटर को ऐड करते हैं. लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. सो देखते हैं कि यहाँ पे कोई और सोर्सेज भी है जो हमारी बॉडी को जो वाटर है वो प्रोवाइड करता है. इन एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. एक टोमेटो लें और एक फ्रूट ले लें, या जो लेमन ले सकते हैं आप. कट इट इन टू स्मॉल पीसेस. अब उसको स्मॉल पीस में कट करना है. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. क्या आपके हाथ वेट हो जाते हैं यानी कि गीले हो जाते हैं जब आप लेमन को कट करते हैं या फिर टोमेटो को कट करते हैं. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैस्ड एट योर होम. तो केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है कि जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट को कट करते हैं या छीलते हैं या फिर उनको मैश करते हैं तो आपके जो हाथ हैं वो वेट होते हैं या नहीं होते हैं. सो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. क्या आपने जब आप घर में फ्रूट लेके आते हैं उनको पील करते हैं, कट करते हैं, स्मैश करते हैं, तो क्या इस दौरान आपने कुछ फूड ऐसे ऑब्जर्व किए हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल, जिसमें जो है वाटर की जो अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है या नहीं होती है. सो वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल देम सेल्फ कंटेन वाटर. तो हमने देखा कि काफ़ी फूड मटीरियल जो होते हैं उसमें वाटर होता है. एंड टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. सो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस फूड जो वाटर है उसे कंप्लीट हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स. और इसके अलावा हम जो बॉडी में जो फूड आइटम खाते हैं उनमें भी वाटर को ऐड करते हैं. तो हमारी बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं या हम डायरेक्टली वाटर को ड्रिंक करते हैं उससे कंप्लीट हो जाती है. सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका बैलेंस डाइट. सो अभी हम सभी टाइप्स के जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो फूड हम डेली खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं. फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स. अब हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, रिक्वायरमेंट होती है.
एंड इन राइट क्वांटिटीज, और न्यूट्रिएंट आपके राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. सो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अति जो है किसी भी चीज़ की जो है बुरी है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो भी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, और वो अगर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो भी हमारी बॉडी के लिए जो है फूड हार्मफुल है. सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. तो डाइट में हमारी में जो है गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर जो अभी हमने डिस्कस किया था वो भी प्रेजेंट होना चाहिए. सो सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. सो अगर आपकी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हैं, रफेज भी है और वाटर भी प्रेजेंट है, सो सच टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइंड व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट. सो डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि सभी एज के जो पीपल हैं उनको सेम टाइप ऑफ डाइट की जरूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वेन वी नीड अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आप सोचते हैं कि जो भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं वो डिपेंड करती है हमारे फिजिकल वर्क पे जो हम करते हैं? प्रिपेयर ए चार्ट वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें कि पूरे वीक में आप क्या क्या खाते हैं. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. तो आपने चेक करना है कि जो भी फूड आइटम्स थी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं जो आपने एक दिन में जो फूड आइटम खाए हैं या फिर पूरे वीक में जो आपने फूड आइटम खाए हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. नाउ पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, इडली ले सकते हैं एंड अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिस्सी रोटी ले सकते हैं फ्रॉम द सीरियल एंड पल्सेस एंड बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल, वेजिटेबल एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. तो इस तरह से इन्हें डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपको काफ़ी टाइप्स के जो फूड बता रहे हैं स्टूडेंट्स. पल्सिस आप खाते हैं, ग्राउंड नट खाते हैं, सोयाबीन लेते हैं, स्प्राउट सीड्स लेते हैं, स्प्राउट सीड्स में मूंग हो सकती है एंड फर्मेंटेड फूड्स में आप इडली ले सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी आप खा सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, स्पिनच खाते हैं आप, सत्तू, जैगरी यानी कि गुड़ खाते हैं आप एंड अदर जो वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा जो दूसरे फूड हैं वो भी अवेलेबल हो सकते हैं जो आप पूरे वीक में खाते हैं एंड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. और आपकी बॉडी को ये जो सभी फूड्स हैं आपकी बॉडी को काफ़ी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. सो देयरफॉर वी कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट. तो इसीलिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. आपको महंगे खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टूडेंट्स, आपको एक बैलेंस्ड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. ये अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपको बता रहा है कि जो राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही एनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट. तो आपको उसको पकाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कुक कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप फूड को अच्छे से कुक नहीं कर पाएंगे तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें लॉस हो जाते हैं. सो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? सो स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, विटामिन्स होते हैं, तो वो हमारे खाने के दौरान या खाने को प्रिपेयर करने के दौरान जो है लॉस हो जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम. अब ये यही आपको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाना बनाने के दौरान कैसे लॉस हो जाते हैं. सो अगर इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, अगर आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करते हैं कटिंग के दौरान और छीलने के दौरान, सो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. तो इसमें से आपके कुछ विटामिन लॉस हो सकते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल. जो स्किन्स होती है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, उसके अंदर काफ़ी विटामिन और मिनरल्स होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स. सो सिमिलरली रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. सो रिपीटेड जो वॉशिंग होती है राइस की या पल्सेस की, जो हम कई बार उसको वॉश करते हैं ताकि उसमें से किसी भी प्रकार की जो हार्मफुल मटेरियल है उसको वॉश करते हैं हम, रिमूव करने के लिए कई बार वॉश कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स कई बार वॉश करना भी, जो राइस है या पल्सेस को कई बार वॉश करना भी, उसके ऊपर जो विटामिन होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो भी वॉश हो जाते हैं साथ में. सो वी ऑल नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड. हम सभी जानते हैं कि जो कुकिंग करने से जो टेस्ट है फूड का वो इम्प्रूव हो जाता है एंड मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट, और उसको जो डाइजेस्ट करना भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. सो उसी दौरान जो कुकिंग होती है उसके दौरान हम कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लॉस कर देते हैं फूड में से. मैनी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स
सॉरी मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। सो उसमें से काफ़ी जो यूजफुल प्रोटीन्स हैं और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स है वो लॉस हो जाते हैं इफ़ द एक्सेस वाटर इज़ यूज, अगर हम एक्सेस वाटर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे, और उसको फेंक देते हैं। सो विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है आपका वो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल कुकिंग, तो इसका आंसर आपने देना है विटामिन सी। सो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। सो ये कहता है कि वुड इट नॉट बी सेंसिबल, क्या ये सेंसिबल नहीं है हमारी, क्या हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते कुछ फ्रूट्स को रॉ वेजिटेबल को हमारी डाइट में। बूजो थॉट दैट द फैट कुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। जो बूजो ने सोचा कि जो फैट है वो इससे अच्छा है कि सबसे अच्छा है खाने के लिए ऑल द टाइम, तो उसको हम कभी भी खा सकते हैं। एंड ए कटोरी बोल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, और आपको जो एक कटोरी है फैट की वो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने की कंपैरिजन में जो आपको एक फैट की कटोरी है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे सकती है। तो ये बूझो ने क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सो ही एट नथिंग, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं खाते बट फूड रिच इन फैट, और जो आपका जो फूड है रिच इन फैट होता है जैसे कि फ्राइड फूड है लाइक समोसा है पूरी है एंड मलाई है रबड़ी एंड पेड़ा, तो इस तरह के जो फूड हैं जो कि जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं समोसा है पूरी मलाई रबड़ी एंड पेड़ा, जो स्वीट्स होते हैं ये सभी फूड जो हैं स्टूडेंट्स ये फैट में रिच होते हैं, इनमें काफ़ी अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या जो बूझो है वो राइट है, अगर वो सभी फूड इसी तरह के जो फैट रिच फूड खाती है अगर बूझो, क्या वो सही कर रहे हैं सही डाइट ले रहे हैं वो? नो ऑफकोर्स नॉट, तो इसका आंसर आपको स्टूडेंट नहीं आएगा। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है अगर हम फैट रिच फूड खाते हैं, एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और हम एक कंडीशन से सफ़र करेंगे अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी में क्या हो सकती है एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, यानी कि योर वेट जो है विल इंक्रीज एंड सच योर फैट बॉडी फैट विल इंक्रीज, सच कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़। अब स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टाइप को न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के आपको फंक्शंस किए सोर्सेज किए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है सो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस व्हिच आर गोइंग टू क्रिएट इन आवर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट, अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, अ पर्सन जो है वो इतना खाना खाता है जितना कि खा सकता है बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये है कि आप खाना खाते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप खाना खाते हो बट जो समटाइम जो फूड आपने खाया है उसके अंदर जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक पर्टिकुलर वन डे और टू डे और वन मंथ अगर आपने एक या दो दिन तक ऐसा खाना खाया है जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर यही कंडीशन आपने काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहती है टू मंथ्स वन मंथ और उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है आपकी फूड में तो आपको एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी मींस कमी, सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कोज डिजीज़। और आपको पता है स्टूडेंट्स जो डेफिशिएंसी होती है वो चाहे एक न्यूट्रिएंट्स की है या काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की है वो आपकी बॉडी में जो डिजीज़ है या कोई भी टाइप का डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में वो क्रिएट कर सकता है। सो डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो डिजीज़ आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड, और जो आपकी बॉडी में जो काफ़ी टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है और उसके जो कारण आपकी बॉडी में जो डिजीज़ क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डेफिशिएंसी डिजीज़। सो इस तरह से डेफिशिएंसी डिजीज़ आप यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अ बॉडी डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, अगर कोई पर्सन जो आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं लेता इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी में ऐसा फूड लेता है जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इफ़ ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, और स्टंट ग्रोथ का मीनिंग होता है स्टूडेंट उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, डिसकलरेशन ऑफ द हेयर, हेयर का डिसकलरेशन मीन्स हेयर वाइट हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकती है उसको, डायरिया हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन जो एक पर्टिकुलर आपका जो न्यूट्रिएंट है अगर आप उससे डेफिशिएंट फूड खाते हैं
लॉन्ग टाइम तक, तो आपकी जो बॉडी है उसमें कौन कौन से डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सो आपकी बॉडी में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी में ग्रोथ आपकी रुक सकती है, आपके फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर यानी कि हेयर वाइट हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकती हैं आपको, और डायरिया भी हो सकता है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ द कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपकी डाइट जो है डेफिशिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स में भी फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो आपकी ग्रोथ जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो सकती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो पर्सन इतना कमज़ोर हो सकता है कि उस पर उसके लिए चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डेफिशेंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीज और डिसऑर्डर। डेफिशियंसी जो डिफरेंट विटामिन्स की या मिनरल्स की है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में डिसऑर्डर्स या डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। सम ऑफ द डिजीज आर मैंशन इन द टेबल 2.3। सो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 2.3 टेबल में क्या क्या गिवन है। ऑल द डेफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग बैलेंस डाइट, बट स्टूडेंट्स इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, जो जितनी भी डेफिशियंसी डिजीज है आपकी बॉडी में उसका कोई जो आपका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको जो जिस भी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में डेफिशियंसी है, आप वही फूड जो है उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच फूड अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी में जो डेफिशियंसी या डिजीज हुई थी उसको आप काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न व्हाई वाइडली वैरायटी फूड्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस। सो इस जो लाइन है आपको स्टूडेंट से क्या कहना चाह रहे हैं, सो ये कहते हैं कि वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न व्हाई वाइडली वेरिंग फूड्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आपने अपने आप से पूछना है कि जो भी आप इतनी ज़्यादा वैरायटी जो डिफरेंट रीजन्स की फूड खाते हो, बट उनमें से जो कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील, जितना भी वैरायटी हम फूड खाते हैं डिफरेंट उसमें जो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉमन होता है। जो भी हमें न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे आप नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं चाहे आप साउथ इंडियन खाना खाते हैं, उसकी जो, लेकिन जो न्यूट्रिएंट का सभी डाइट में आपका जो न्यूट्रिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉमन होता है स्टूडेंट्स। और इसीलिए हमारी बॉडी में आपको जो है, अगर बॉडी को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एक बैलेंस डाइट की। सो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द इन द टेबल 2.3 सम डेफिशिएंसी डिजीज। इस टेबल में स्टूडेंट्स आपको कुछ डिजीज़ और उनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं और किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, मिनरल की कमी से होते हैं, वो दिए हैं। सो हम जो पहला आपको न्यूट्रिएंट है दैट इज़ विटामिन ए। सो विटामिन ए हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपका आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपको लॉस ऑफ विज़न यानी कि आपकी जो आँखों की रोशनी है वो जा सकती है, पुअर विज़न हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, रात में आपको दिखना जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार आप कंप्लीटली अंधे भी हो सकते हैं। सो विटामिन B1, नेक्स्ट विटामिन है आपका स्टूडेंट विटामिन B1, और B1 जो विटामिन है उसकी कमी से जो आपको डिजीज़ होती है वो है बेरी। सो वीक मसल्स आपकी, इसमें सिम्टम्स आपको क्या दिखते हैं, मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं और आपकी एनर्जी जो है बहुत ही कम हो जाती है, आप ज़रा सा काम करते हैं अपने आप को थका हुआ फील करते हैं। सो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन B1। विटामिन सी जो है उसका जो केमिकल नेम होता है स्टूडेंट्स, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जो विटामिन सी है वो आपका किसके लिए, गम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको स्कर्वी डिजीज़ होती है, और विटामिन के जो सिम्टम्स होते हैं सी की कमी के, जो ब्लीडिंग गम्स है, गम्स में से खून आने लग जाता है, वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर आपको कोई भी वॉन्ट्स यानी कि कट लग जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो आपको जो हील करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन या ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो इट मीन्स योर बॉडी इज डेफिशियंट इन विटामिन सी। नाउ द विटामिन डी, विटामिन डी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको डिजीज़ होती है रिकेट्स। जो रिकेट्स है उसमें क्या होता है कि जो आपकी बोन्स हैं वो बैंड हो जाती हैं, सो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। सो स्टूडेंट्स इसकी जो आपके जो मेन कंडीशन है, अगर आपको देखते हैं जो बोन्स हैं, जो जनरली जो ये डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स, ये बच्चों में होती है। सो अगर आपको आपके बच्चों में जो बोन्स हैं, अगर आपकी बोन्स जो हैं सॉफ्ट हो गई हैं, सॉफ्ट होने का मीनिंग होता है कि आपकी बोन्स में हल्की सी अगर आपको चोट लगती है तो बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है, और बैंड होने का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स, जो आपकी लेग्स होती हैं वो आपकी कर्व्ड शेप में आ जाती हैं। सो इसमें डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं, बोन का सॉफ्ट होना और बोन का बैंड होना, तो ये दोनों कंडीशंस आपको विटामिन डी की कमी से होती हैं।
नाउ नेक्स्ट जो आपका मिनरल है कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मिनरल. सो मिनरल जो कैल्शियम है, कैल्शियम की हेल्प से हमारी जो बोन्स होती हैं वो प्रिपेयर होती हैं. और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपकी बोन्स जो हैं वो उसमें जो है डेफिशिएंसी हो जाती है और वो डीके मींस कमज़ोर हो जाती हैं आपकी बोन्स और उनमें दर्द होने लग जाता है. सो बोन्स एंड टूथ डीके जो आपका होता है, जो टूथ और जो टूथ में आपके डीके हो जाते हैं, यानी कि जो आपके दांत में जो जैसे कि कैविटी हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो वो भी कैल्शियम की जो है एक डेफिशिएंसी हो सकती है. तो उसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और टूथ में डीके भी होने लग जाते हैं, यानी कि कैविटी होने लग जाती है. नेक्स्ट आपका जो आपका नेक्स्ट है आयोडीन. आयोडीन जो मिनरल है आपका, उसमें उसकी कमी से आपको गोइटर होता है. गोइटर मतलब गले के जो नीचे आपका ग्लैंड होता है, और वो ग्लैंड जो अगर आप में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो ग्लैंड होता है थायरॉयड ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है आपके गले के नीचे, वो जो है स्वेलिंग हो जाती है, वो ग्लैंड काफ़ी बड़ा हो जाता है. तो अगर आपको ऐसी कंडीशन नजर आए तो इसका मतलब आप में आयोडीन की डेफिशिएंसी है. सो जो ग्लैंड होता है इन द नेक अपीयर स्वोलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन में जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो ये ग्लैंड होता है ये आपके जो हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है. और अगर इसे आपकी पर्टिकुलर जो आयोडीन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो इसलिए जो चिल्ड्रन जहाँ में मेंटल ग्रोथ भी उनकी रुक जाती है. नेक्स्ट आपका है आयरन. आयरन जो स्टूडेंट्स आपकी बॉडी में आयरन होता है ब्लड को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है. अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा. और हीमोग्लोबिन आपको बॉडी पता होता है स्टूडेंट्स, जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपकी बॉडी में ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. सो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, इट मीन्स आप कौन सी डिजीज़ से सफ़र करेंगे, एनीमिया डिजीज़ से सफ़र करेंगे. और एनीमिया डिजीज़ का जो सिम्टम्स होता है, वीकनेस होती है, आपको वीकनेस फील होती है, थका हुआ फील करते हैं आप पूरा दिन, क्योंकि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने जो है सभी टॉपिक्स 1 by 1 कवर किए हैं. आई होप योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर टुडे. सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.